भारतीय जनता पार्टी की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भीलवाड़ा, कोटा व झालावाड़ लोकसभा क्षेत्रों का प्रबुद्ध जनों के साथ तार्किक व विचारोत्तेजक संवाद व प्रबुद्ध जन सम्मेलन सोमवार को नगर परिषद सभागार में आयोजित हुआ। भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डार ने बताया कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन में प्रसिद्ध राष्ट्रीय विचारक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा मुख्य वक्ता थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने की। भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डार एवं निवर्तमान भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल के निर्देशन में कार्यक्रम की तैयारियां की गई। भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अतुल शर्मा, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मदन गोपाल कालरा को कार्यक्रम का सह संयोजक नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में अपनी विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट पहचान सेवाएं देकर समाज व राष्ट्र जागरण के बारे में अपनी विशेष सोच रखने वाले युवाओं, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ समाज के हर वर्ग व क्षेत्र से जुड़े लोगों को आमंत्रित किया गया था। साथ ही कार्यक्रम में भाजपा से जुड़े भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद, विधायक व भाजपा मंडल अध्यक्षों सहित मोर्चा एवं प्रकोष्ठ के पदाधिकारी सहित व्यापारिक संगठन, उद्योगपति, विभिन्न सामाजिक संगठन, विभिन्न समाज के संगठन के गणमान्य व्यक्तियों सहित बुद्धिजीवी सम्मिलित हुए। ऐसा सशक्त नेतृत्व मिला नरेंद्र मोदी के रूप में, जिन्होंने इस हिंदुस्तान का, लेकिन कुछ लोग आज भी देश को खंड विखंड कर उभरे। नरेंद्र मोदी, मैं केवल आज इतना कहना चाहता हूं, उद्बोधन तो होगा, मैं भी सकता, मैं बहुत लंबी बात नहीं करता। कमोबेश इस डेमोक्रेसी आने के बाद 56, 57, 58 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया है। 57 सालों का हिसाब देश से कांग्रेस से कभी देश ने नहीं मांगा। आज 5 साल का हिसाब मोदी जी से मांगना चाहते कांग्रेस का। प्रबुद्ध जन बैठे, मैं केवल एक कहानी बताऊंगा, अपने बात को समाप्त। भीलवाड़ा में कोटा, झालावाड़ और भीलवाड़ा, इन तीन लोकसभा क्षेत्रों का जो क्लस्टर बना है, दुनिया के और देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। तीनों लोकसभा का समन्वित कार्यक्रम है। यहाँ हम अपने नेताओं के माध्यम से जनता की अदालत में दस्तक दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है, हमारी जो उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं हैं, जो जनता के साथ हमारा संवाद और हमारा संबंध बना है, उसको लेकर अपना हिसाब किताब जनता के अदालत में रखने का ये माध्यम है ये कार्यक्रम। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लेखे जोखे के साथ इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जा रही है उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, और मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा और 2019 में भारतीय जनता पार्टी फिर प्रचंड बहुमत के साथ इस देश पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी।